हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। कैसे हैं दोस्तों आप सब? जैसे कि दोस्तों आज दिवाली है और फोन फिक्स हैदराबाद की पूरी टीम की तरफ से सभी भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ये ईद आप सबके लिए बहुत ही अच्छी हो और बहुत ही कुछ नया लेकर आए और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत आप आगे बढ़े, अपने आप को अपडेट करें और जो काम आपके पास आ रहा है तो उसको जरूर करके दें, बिल्कुल वापस दूसरों को ना दें। और जो भी आपके दिल में ख्वाहिश है, जो भी दुआ है, वो जरूर ऊपर वाला आपकी पूरी करें। दोस्तों जैसे कि दिवाली में आप लोग बड़े बड़े धमाके उड़ाते हो, धमाके देते हो, जैसे कि आप बम वगैरह फोड़ते हो, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि फ्रेंड दिवाली में बहुत बड़े धमाकों की आवाज आती है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स इस वीडियो में एक बड़ा धमाका देने वाला हूं मैं आपको। चलिए इसे दिवाली का गिफ्ट ही आप समझ लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो क्या रहा है, बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट वाले कॉपी कर रहे हैं, यही एक रीजन है कि वीडियो बहुत ही सोच कर हम लोग डालते हैं। बाकी कोई बात नहीं, अभी न्यू ईयर आपकी ईद है, दीपावली है, तो चलिए एक बड़ा सा धमाका कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बहुत कुछ आप देखने वाले हो। जैसे कि फ्रेंड्स हमारे पास लाइव क्लास में जो बच्चे आते हैं वो सारा चीज जानते हैं, 4G से लेकर 5G तक स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक एडवांस लेवल पर उनको ट्रेनिंग देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ये जो वीडियो रहने वाली है, हमारी जितने भी यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, फेसबुक के फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं या व्हाट्सएप पे जो भी हमको फॉलो करते हैं, उन सबके लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। मैं फोन फिक्स में जितने भी हमारे टीम है सबकी तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास एक हैंडसेट है जो कि 5G हैंडसेट है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक आपने काम किया होगा एक सीपीयू पर। जी हाँ फ्रेंड, सिंगल सीपीयू पे आपने काम किया होगा। ये हैंडसेट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका UFS लगा है, ये इसका सीपीयू है और ये है इसका और एक सीपीयू। जी हाँ फ्रेंड, मैं बिल्कुल गलत नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं, इसमें लगे हैं दो सीपीयू। आप बोलेंगे सर दो सीपीयू कैसे? जैसे आपने आईफोन में देखा होगा एक सीपीयू होता है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं और एक होता है BBCPU जिसको हम बेस बैंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा रहने वाला है इसमें BBCPU। अगर आप इसके ऊपर नंबर लिखा देखोगे तो यहां पे आपको दिखने मिलेगा SDX55M। जी हाँ फ्रेंड्स, SDX55M और इसकी एक PMX IC भी आती है 55 की अलग से पावर। तो इसमें रहने वाले आपको दो सीपीयू और दो पावर। जी हाँ फ्रेंड्स, मेन सीपीयू के लिए अलग सा पावर है और जो हमारा बेसमेंट सीपीयू उसके लिए एक अलग से PMX 55 एक अलग से पावर IC मिलेगा। वो जितने भी वोल्टेजेस बनाता है SDR के लिए और इस सीपीयू के लिए बनाता है। और ये सीपीयू में फ्रेंड दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। दोनों के पास जो सप्लाई इनपुट होती है, बग सप्लाई, APC की सप्लाई, अगर आप मेन सीपीयू में देखेंगे तो इसमें APC का सप्लाई आएगा, APC 0, APC 1 का आएगा, VDD MX और VDD Core का भी सप्लाई इसमें आता है। और अगर इसमें देखेंगे आप तो इसमें सिर्फ VDD GFX की सप्लाई, VDD मेमोरी का सप्लाई आपको ये दूसरे सीपीयू में देखने मिलेगा। इसकी एक पूरी डिटेल क्लास है, पूरी एक चैप्टर है, कितना वोल्टेज आता है, कहां पे कॉइल लगे हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो तीन पावर आपको देखने मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको तीन पावर। और इसमें अगर SDR भी देखोगे आप तो 865 SDR लगा, ये देख सकते हैं कितना बड़ा। अभी तक अपने WTR 59 गोलों का छोटा सा WTR आपने चेंज किया होगा, उसके बाद आपने SDR 660 को आपने चेंज किया होगा जिसमें 180 गोले होते हैं। उसके बाद अब आपको इस SDR पे काम करना है 865। क्या क्या वोल्टेजेस होते हैं, क्या सिग्नल इन होता है, कहां पे इसकी सप्लाई होती है, सारा चीज मैं आपको क्लास में बताऊंगा। ये एक ट्रांस रिसीवर है जिसको हम RFIC कहते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी IC। तो फ्रेंड्स इस मॉडल में अगर आप देखोगे तो इसमें तीन पावर लगे हुए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लेकर चलता हूं अपने डाटा शीट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं दो सीपीयू हमने यहां पे बनाए, SM8250 और एक है आपका SDX55। दो सीपीयू इसमें मिलेंगे और अगर पावर IC की बात करें तो टोटल चार पावर इसमें है। मतलब बेसबैंड का पावर है आपका PMX55 और जो मेन सीपीयू है हमारा SDM8250, इसमें आपको सीपीयू मिलेगा और तीन पावर इसमें देखने मिलेंगे। तो इसमें से फ्रेंड जो बी वाली IC होती है हमारी PM8150B, बी जहां लिखा मिलेगा आपको वो होती है हमारी DC to DC चार्जिंग IC। ये मेन चार्जिंग IC है, हालांकि इसमें एक और सपोर्टिंग चार्जिंग IC भी है, इसमें दो दो चार्जिंग IC लगे देखने मिलेंगे। और जो मेन पावर इसमें है PM8250 और जो सेकेंडरी पावर है इसका जो कि हमारा BOB का सप्लाई बनाता है, देख सकते हैं PM8150A।
तो फ्रेंड्स ये दोनों आईसीयू में अगर आप देखोगे बहुत सारे सप्लायर हैं, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है, सारा चीज हम क्लास में बताते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक बहुत ही जल्द प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आएंगे, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि डबल पावर ट्रिपल पावर को चेकिंग क्या क्या करना है। तो एक ओवरव्यू यहां से बताते हुए चलता हूं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी सप्लाई है, फॉल्ट लाइन की सप्लाई क्या होती है, ऑटो ऑन क्या होता है, यहां पे देख सकते हैं वीरैक बीओबी क्या होती है, एसपीएमआई क्लॉक डाटा वीपीएच देख सकते हैं, यही वीरैक बॉब की सप्लाई यहां से जनरेट होती है। जैसे आप जानते हैं सेकेंडरी पावर से यहां से हमारी बीओबी की सप्लाई जनरेट होती है, बक और बूस्ट सप्लाई बोलते हैं इसको, जिसे आपका अभी तक मोबाइल वीपीएच से चल रहा था, अभी आगे जाकर देखेंगे आप सारा बीओबी से आपको सारे आईसीओ में इनपुट सप्लाई होती है वो दूसरे आईसीओ की। पावर ऑन रीसेट पीएस होल्ड, ऐसा ही एक पावर ऑन रीसेट और पीएस होल्ड आपको सेकेंडरी पावर मतलब बेसमेंट का जो पावर है उसमें भी देखने मिलेगा। ये वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं फ्रेंड्स कि अभी आगे जाकर के आपको इस तरीके के दो दो सीपीयू देखने मिलेंगे। अगर आप बात करें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपीयू है, आप सोच रहे होंगे कहीं रैम तो नहीं है क्या, इधर तो रैम नहीं है, रैम जो लगता है इसका ऊपर लगा होता है LPDDR4X, तो रैम इसका ऊपर लगा होगा, लो पावर डबल डाटा रेट जिसको हम बोलते हैं 4X वाला रैम, क्योंकि VGA 221 में अगर आप देखोगे तो LPDDR3 आती है और DDR4 अभी 254 में मिल रहा है और 4X में मिलेगा आपको UFS के अंदर। ये इसका UFS हो गया, ये रैम हो गया, ये इसका चार्जिंग एसी यहां पर होता है, इसका सेकेंडरी चार्जिंग एसी, और ये है इसका बेसबैंड सीपीयू। अब फ्रेंड्स SDR660 यहां लगा है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको और भी कुछ चीज नहीं बताऊंगा इसमें, जैसे अगर आप देखोगे यहां पर किसी भी पावर के पास आपको इस तरह का क्रिस्टल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं क्रिस्टल का सप्लाई पावर के साथ कनेक्टेड ना हो करके एक अलग से आईसी देखने मिलेगा। इसमें एक आईसी लगा है PM8002 जो कि 16 वोल्ट का आईसी होता है, तो क्रिस्टल जो लगा है इसी के बाजू में जो कि 38.4 मेगाहर्ट्ज का होता है, तो 16 वोल्ट में क्या सप्लाई होती है, चलिए इसी वीडियो में मैं एक धमाकेदार आपको और एक सोल्यूशन दे देता हूं। यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका डाटा शीट हमने बना लिया है। आपको ये पूरे चैलेंज के साथ बता सकता हूं, पूरे गूगल पे पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इस आईसी का भी डाटा आपको। जी हाँ फ्रेंड, पहली बार आप यूट्यूब पर फोन फिक्स हैदराबाद के चैनल पर देख रहे होंगे। अगर आपको ये बनाना है, ये आपको सीखना है कैसे बनाना है, तो आप फोन फिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, ऐसे ही फ्री सीखते रहिए, लेकिन आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा इसमें। अगर आप जल्दी से कम दिनों में 20 दिन के अंदर कम समय में अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, ऐसे 5G हैंडसेट आ रहे हैं बट आप बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दो एक पावर आता था पहले, अभी दो पावर तीन पावर चार पावर आ रहे हैं, एक सीपीयू अभी तक आ रहा था, अभी दो सीपीयू देखने मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉडर्न का सप्लाई आपको सेकंड बेसमेंट वाले सीपीयू में जाते हुए इसमें देखने को मिलेगी, जो हमारी मॉडर्न की सप्लाई होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 16 गोले हैं, जैसा आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3, 4 के हिसाब से हमने यहाँ पे डाल दिया है। अगर इसकी बात करें तो इसको जो इनपुट सप्लाई मिल रहा है वो VIO का एक 1.8 जो कि पावर आईसी से आता है, मेन पावर PM8250। इसके अलावा फ्रेंड्स इस आईसी को चलाने के लिए मेन सीपीयू जो लगा है इसमें SDM8250, वहां से आपको एक SPMI क्लॉक SPMI डाटा सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस जिसे कहते हैं, अदरवाइज ये ऐसी काम नहीं करेगा, इसी में आएगी। और जो क्रिस्टल लगा है आपका बिल्कुल पास में, जिसको हम XO या XTEL या YTEL के नाम से जानते हैं, तो 38.4 मेगाहर्ट्ज का लेटेस्ट क्रिस्टल इसमें लगा हुआ है। DSO से क्रिस्टल का सप्लाई कैसे चेक करना है, ये सारा चीज हम यहां पर लाइव क्लास में बताते हैं आपको। इस तरह का DSO आता है, जैसे कि आपने देखा होगा DSO से क्रिस्टल भी आप चेक कर सकते हैं। और ये जो क्रिस्टल लगा है पावर आईसी के पास नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, अगर आप A50 के मॉडल में देखोगे तो क्रिस्टल जो लगा है आपका एक अलग से क्रिस्टल की क्लॉक आईसी लगी हुई है, जिसमें आपको 8 बॉल की एक आईसी लगी होती है, वहां पे ऐसे आपको सप्लाई क्रिस्टल का बाहर निकलता है। लेकिन दोस्तों हर एक में क्या एक ही क्रिस्टल आईसी लगी मिलेगी, एक ही क्लॉक आईसी मिलेगी क्या, बिल्कुल नहीं, हर एक हैंडसेट में अलग अलग आईसी देखने मिलेगी आपको। यहां पे PM8002 PM आपको ये वाली आईसी मिलेगी क्लॉक सप्लाई के लिए, जो कि मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाती है और इस आईसी में किलोहर्ट्ज की भी सप्लाई जनरेट होती है। तो यहां पे आप देखोगे, आप अगर देखोगे तो इसकी क्रिस्टल की सप्लाई 2 नंबर और 3 नंबर के साथ कनेक्टेड होती है और तीसरी पिन इसकी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है और चौथी पिन जो होती है फ्रेंड्स PA XO थर्मल के नाम से, जो कि आपकी जाती है यहां से निकल करके मेन पावर आईसी में, यहां तक इसकी ये वाली सप्लाई होती है और इसी पे आपका 1.8 वोल्टेज मिलेगा और एक सप्लाई इसका ग्राउंड होता है और ये वाली एक आउटपुट सप्लाई है, ये इसकी इनपुट सप्लाई है। यहां पे दो सप्लाई टोटल 4 आपको पिन क्रिस्टल के नीचे देखने मिलेंगे, इस तरीके से चारों पिन इसके कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पे देखेंगे आप इसमें और क्या इंपॉर्टेंट सप्लाई है, दो सीपीयू से सप्लाई हो गए,
जो कि हमारी क्लॉक डाटा की सप्लाई है, इसके बाद ये जो आईसी अपना आउटपुट निकालेगी जो मेगाहर्ट्ज की सप्लाई निकालेगी आरएफ क्लॉक यानी डब्ल्यूटीआर के लिए, तो इसमें जो लगा है एसडीआर 865 लगा देखने मिलेगा आपको, जो कि लेटेस्ट आरएफ आईसी है, लेटेस्ट बेसबैंड आईसी है, जिसको आप बेसबैंड आईसी या आरएफ क्लॉक के नाम से जानते हैं या फिर आप बहुत ही फेमस नाम है डब्ल्यूटीआर या एसडीआर बोलते हैं। तो इसमें जो एसडीआर लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 865 का एसडीआर इसमें लगते हैं, यहां पे एक सप्लाई जाएगी वही हमारी जिसको हम आरएफ क्लॉक बोलेंगे, दूसरी सप्लाई हमारी बेसबैंड क्लॉक यहां पे देख सकते हैं जो कि सीपीयू को एक्टिवेट करने के लिए जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं सीपीयू को एक्टिवेट करने के लिए बक सप्लाई चाहिए, किलोहर्ट्ज चाहिए, मेगाहर्ट्ज चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी जाता है मेगाहर्ट्ज की शक्ल में। एक और तीसरा चाहिए वाईफाई क्लॉक यानी डब्ल्यूसीएन क्लॉक के नाम से हम जानते हैं इसको क्वालकॉम में, वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, तो वाईफाई इसी आपका काम नहीं करेगा। एक और क्लॉक है फ्रेंड्स यहाँ पर पीएम क्लॉक, देख सकते हैं पावर आईसी को भी क्लॉक की जरूरत होती है, तो यहां से जाता है ये 9 नंबर से। इसके बाद फ्रेंड्स स्लीप क्लॉक जो कि 32.7 मेगाहर्ट्ज का होता है, वो 15 नंबर गोले से अगर आप देखोगे तो ये मेन पावर आईसी के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो डाटा शीट हमने बनाई है फ्रेंड्स, ये अपने नॉलेज के हिसाब से हमने बनाई है। आपको अगर से कल के दिन कोई नया क्लॉक आईसी आ जाए तो कैसे उसको जनरेट करना है, कैसे उसका डाटा बनाना है, हमारे इंस्टीट्यूट में हम सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बल्कि एक टीचर और एक मास्टर क्रिएट करते हैं। बहुत सारे बच्चे इंडिया में जाकर के हमारे पास से ट्रेनिंग लेकर के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा दुकान में काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेवल का ट्रेनिंग आपको मिलता है, एकदम टीचिंग लेवल का आपको ट्रेनिंग मिलता है, एडवांस लेवल का, यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं होती फ्रेंड्स। हम ऑनलाइन बिल्कुल भी हमारा हार्डवेयर का क्लास नहीं पढ़ाते फ्रेंड्स, क्योंकि मोबाइल का हार्डवेयर का काम ऑनलाइन आप बिल्कुल नहीं सीख सकते। आकर टीचर के साथ बैठना होगा, 10 घंटे असेंबली लेकर के आपको काम करना होगा, 10 घंटे में से आप 2 से 3 घंटा आपको सर्किट पे चेकिंग में आपको देना होगा। एक ओके मोबाइल में आपको चेकिंग कहां कहां पे क्या चीज करनी है, फॉल्टी मोबाइल में क्या चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, ये सारा चीज हम क्लास में बताते हैं। हमारे पास के बच्चे सीख कर जाकर के बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, जिसके पोस्ट आप फेसबुक के स्टेटस पे, फेसबुक के पेज पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, यूट्यूब कम्युनिटी में जाकर देखिए, आप सारा चीज देख सकते हैं। ये तो एक बड़ा धमाका आपको मैंने एक डाटा शीट इसकी दे दी और मैंने आपको बताया डबल सीपीयू आ रहा है, इसको भी आप देखिए आगे जाकर के। तो एक क्रिस्टल का आईसी देखिए, नया आपको एसडीआर 865 देखने मिलेगा। ऐसा ही फ्रेंड्स यहां पे एक और चीज बता दूं इसी वीडियो में, अभी तक जो वाईफाई आईसी आ रहा था आपका डब्ल्यूसीएन के नाम से, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, अब क्वालकॉम में अपना एक नया वाईफाई आईसी बना दिया, यहां पे आप देख सकते हैं 6391 के नाम से, ऐसे क्यूसी के नाम से आपको डायग्राम में देखने मिलेगा। बहुत सारे नए नए आईसी आ रहे हैं, 5G के हैंडसेट में आपको पीए अलग से आ रहा है, 2G पीए, 4G पीए, 5G पीए अलग हो चुका है, तो ये भी आपको सीखना है। अगर अच्छे से सीखना है तो फोनफिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक बड़ा धमाका दिवाली ऑफर लेकर के हम आए हैं, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एमएमसी एंड यूएफएस की क्लास। जी हां फ्रेंड, ओनली 6999 में हमने यूएफएस फ्री दे रहा है आपको, एमएमसी के साथ आपको यूएफएस फ्री है, दिवाली का ऑफर है, फीस बढ़ने से पहले पहले जल्दी से जुड़ जाइए। 20 नवंबर से हमारा ऑनलाइन का यूएफएस क्लास है। जी हाँ फ्रेंड्स, फोनफिक्स हैदराबाद का प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसके अंदर भी आप जाकर के कोर्स बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्प्ले पे नंबर है, आप कॉल कर लीजिए। लाइव क्लासेस होती है हमारी, टीचर सामने बैठ के पढ़ाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको वीडियो अपलोड करे हुए मिलेंगे, ना कोई क्वेश्चन कर सकते आप, ना कोई सपोर्ट ले सकते हैं उनसे आप, सिर्फ वीडियो देखो यूट्यूब जैसा। दोस्तों ये लोग यूट्यूब पे वीडियो डालने की जगह अपने एप्लीकेशन में वीडियो डाल रहे हैं और आपको दे रहे हैं, और उसमें क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे आप बेहतर जानते हैं। अगर आपको लाइव सीखना है टीचर के साथ 1-to-1 बात करके, अपने दिल में जो भी क्वेश्चन है, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, दुकान में जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं टीचर के साथ। जी हाँ फ्रेंड, लाइव क्लास होती है रात में 9:30 से लेकर 10:30 तक, 11:30 तक, 2 घंटे आपको ऑनलाइन क्लास होती है। सॉफ्टवेयर एमएमसी यूएफएस, एमएमसी चेंज, यूएफएस चेंज तक हम बता रहे हैं फ्रेंड। इंडिया में ये फोनफिक्स हैदराबाद पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो यूएफएस की भी ट्रेनिंग दे रहा है। बहुत सारे मार्केट में आप देखिए अनलॉकिंग की ट्रेनिंग देंगे, यहाँ पे प्रोग्रामिंग, अनलॉकिंग एंड यूएफएस चेंज, एमएमसी चेंज तक आपको बताएंगे। डाटा बचा करके कोई भी मार्केट में आपने नहीं देखा होगा एमएमसी की हेल्थ रिपेयर करते हुए, यहाँ पे फोनफिक्स में आपको विदाउट डाटा लॉस ऑफ एमएमसी की हेल्थ भी रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इजी अटैक, बीबी टेस्टर, यूएफआई अनलॉक टूल एंड यूएमटी, ये 5 आपको टूल बॉक्सेस पे आपको काम सिखाएंगे। सॉफ्टवेयर का सारा काम आप कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बॉक्स बाद में ले लीजिए, कहां से लेना है, कैसे लेना है, कहां मिलेगा ओरिजिनल बॉक्स, कम प्राइस में बेस्ट ओरिजिनल चीज, सारा चीज हम बताएंगे।
हार्डवेयर की अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो, इस तरीके से प्रॉपर काम सीखना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। और आप नीचे कमेंट करिए, बहुत ही जल्द एक हार्डवेयर सोल्यूशन का वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि विदाउट डायग्राम भी आप लाइट सेक्शन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें चेक करना है। तो वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और फ्रेंड्स, अगर आप पटाखे वगैरह जला रहे हैं तो अपने आप को सेफ रखिए और किसी और को भी तकलीफ मत दीजिए, अदरवाइज दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो एंजॉय करिए अपने फेस्टिवल को। चलिए मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जो बच्चे बुक कर चुके हैं तो उनसे मिलते हैं कोर्स के अंदर, और जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं उनसे मिलते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।